मैंने देखा टिड्डियां आएंगी, मैं आत्मा में देख रहा हूँ फसलें खराब करेंगी। फसलों को हो रहा है, पत्तियां और पौधे खाने वाले ये कीड़े खेतों में लगी रबी की फसलें तेजी से चट कर रहे। 2022 जैसे खत्म होगा फिर से एक लहर आएगी, और अभी आप न्यूज में सुन रहे हैं और बहुत सारे लोगों को 2023 में प्रॉब्लम आएगी। खतरा कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 से पैदा हुआ है। कोरोना का ये सबसे लेटेस्ट वेरिएंट इस हाहाकार मचा रहा है। जिनके पास सोना चांदी होगा उसका व्यापार अच्छा होगा, याद रखना। कि 2023 के अंदर दो बड़ी शक्तियां, दो बड़े देश एक हो जाएंगे, एक लेडीज होगी और एक जेंट्स होगा, और आप देखेंगे वो पूरी दुनिया के ऊपर एक शासन की तरह मंडलाएंगे बहुत सारे लोग। कि आने वाले दिनों में भारत में कई कूटनीतिक आतिशबाजियां होने वाली हैं। G20 सम्मेलन की पहली बड़ी बैठक के लिए भविष्यवाणियों में आज आपको 5 भविष्यवाणियां दे रहा हूं, आप फिर से देखेंगे 2023 में ये पूरी होंगी। अबनबा शबनबा बनबा शबनबा बनबा शबनबा, पूरे वर्ल्ड के अंदर आप सुनेंगे, मैं आत्मा में देख रहा हूं। प्रभु ने मुझे आज सुबह 4 बजे ये भविष्यवाणियां दी, पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो। और प्रभु ने दिखाया कि 2023 के अंदर दो बड़ी शक्तियां, दो बड़े देश एक हो जाएंगे, एक लेडीज होगी और एक जेंट्स होगा, और आप देखेंगे वो पूरी दुनिया के ऊपर एक शासन की तरह मंडलाएंगे बहुत सारे लोग। जब परमेश्वर से दुआएं करेंगे उनका शासन टूट जाएगा। आमीन। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे देश इकट्ठे होकर एक करेंसी बनाएंगे, बहुत सारे लोगों को महसूस होगा कि दिखाई देगा उनको 2023 के बाद, 24-25 के बाद, आपके आने वाले समय में 2030, मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को पता लगने लगेगा। मैंने कहा था कि 5 करेंसियां एक हो जाएंगी, 5 करेंसियां, फिर कर रहा हूं कि आपकी करेंसियां, 5 देशों की करेंसियां एक हो जाएंगी। मेरी बात को अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन मैं 2021 से बोल रहा हूं, आत्मा खैर है, मैंने ऐसे देखा अभी और मैं देख रहा हूं ऐसे आत्मा में कि बहुत सारे लोगों ने सुना 2023 पूरी दुनिया के अंदर अच्छा नहीं है। लेकिन आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जो लोग परमेश्वर से भक्ति करते हैं उनके लिए आनंद भरा आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप सुनेंगे, मैं कह रहा हूं कि भविष्यता अच्छा नहीं लगता भारत के देश के अंदर। मैंने पहले भी कहा था कि 2020 में, 2019 में कि कोरोना आएगा, और 21 में भी कहा था कि 2022 जैसे ही खत्म होगा फिर से एक लहर आएगी, और अभी आप न्यूज में सुन रहे हैं और बहुत सारे लोगों को 2023 में प्रॉब्लम आएगी। मैंने देखा टिड्डियां आएंगी, मैं आत्मा में देख रहा हूं फसलें खराब करेंगी, और आप यूक्रेन के अंदर आप सुन रहे हैं, फ्रांस के अंदर मैं देख रहा हूं ऐसे, रूस के अंदर, ताइवान के अंदर, जगह जगह पर आप सुनेंगे कि युद्ध शुरू हो जाएंगे, कुछ लोग युद्ध करेंगे लेकिन वो परमाणु बम में बदल जाएगा, वो तीसरी लहर में बदल जाएगा, तीसरा युद्ध में बदल जाएगा। जब पिछले साल नहीं हुआ वो होगा, महंगाई फिर आसमान को छुएगी। लेकिन बहुत सारे लोग जिनके पास सोना चांदी होगा उसका व्यापार अच्छा होगा, याद रखना। आने वाला समय आपके लिए सोने चांदी का, चांदी सोने से महंगी हो जाएगी। ये आने वाले 1.5 साल के अंदर प्रॉफिट की बात समझ में आएगी आपको। जर्मनी से, यूरोप से ऐसे किस्से सुनने को मिलेंगे, परमेश्वर ऐसा कुछ करने के लिए जा रहा है। अपने लोग जो बहुत सारे लोग अपने आप को तुच्छ समझते हैं, परमेश्वर उन्हें ऊपर उठाएगा। जो मेरी बात को समझ रहे हैं, जो विश्वास करना, आत्मा कहता है अगर हमसे ये वचन के द्वारा और एक प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा और सांसारिक रीतियों के द्वारा और हमारे ही द्वारा, वो कानून हो या पार्लियामेंट हो या कानून व्यवस्था हो या किसी भी ओहदे पे हो या देश की हर एक प्रकृति क्यों ना हो, वह हर एक बात हमें सिखा रही है। अगर हम इस चीज़ को नहीं जानेंगे तो हम परमेश्वर के होने के बाद भी परमेश्वर के नहीं खिलाएंगे। ये हमारी कमियां हैं कि आज हम ईश्वर को जानते कब है, जब हमारी नीड होती है, जब हमारी आवश्यकताओं की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हम परमेश्वर के वचन के पास जाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। और जब वचन हमें अपने पास लेके आता है तो हम उसे नहीं देख पाते। इसी तरह वचन देखो, आप कहीं संकेत आपको इस तरह के मिलेंगे, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है,
कहीं जलजला आ रहा है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, आप इस चीज़ को अनदेखा ना करें, आप इस चीज़ को अनदेखा ना करें। ये एक ऐसा विषय है जो हमें अवेयरनेस की तरफ लेके आता है, वो हमारे परिवार के लिए, क्योंकि प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र से प्रेम किया, उसी प्रकार हम भी हमारे पुत्र और पुत्री और हमारे माँ बाप से प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो रीति उसने सिखाई है और हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर भी अपने एक पुत्र के वादे के लिए सब कुछ कर सकता है। आप जान के अनजान ना बने, आप अनदेखा करते हैं मेरे भाई बहनों। कोई आपसे मांगता है तो आप नहीं देते हो, कोई आपको पुकारता है तो आप नहीं जाते हो। आप क्यों ऐसा जीवन जी रहे हो? जबकि परमेश्वर के सिग्नल यही है कि जो परेशानियाँ आती है उसके पीछे परमेश्वर खड़े होते हैं, पर जो परेशानियों को देख के परमेश्वर को भूल जाता है, परमेश्वर भी उसे भूल जाता है। मेरे भाई बहनों, आज हम बहुत से भाई उन दुख उठा रहे हैं जो शरीर की पीड़ाओं में, पारिवारिक पीड़ाओं में, कर्जों में हैं, जो आज एहसान तले दबे हुए हैं, जो बोझ तले दबे हुए हैं, जो आज हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, जो आज अपने परिवार को नहीं चला पा रहे। ये सब बातें प्रकृति के रूप में हमें सिग्नल देती है, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें, जिस तरह से एक पुलिस वाला आराधना करता है, जिस तरह से एक पार्लियामेंट के अंदर चीख चीख कर एक संविधान के लेकर, एक संविधान को लेकर, एक न्याय को लेकर परमेश्वर की जीविता का प्रमाण देता है, और इसी तरह परमेश्वर की प्रकृति भी उस चीज़ का प्रमाण देती है। जब नदी नाले सूख जाते हैं, जब आकाश काला हो जाता है और चंद्र ग्रहण होता है और सूर्य उदय होता है और पंछी आकाश में इधर से उधर होते हैं, जिन पे कोई बंधन नहीं है, जिन पे कोई बंधन नहीं है, वो कोई देश को नहीं जानते, वो कोई जात नहीं जानते, कोई समाज नहीं जानते, वो सिर्फ परमेश्वर की हमें सिग्नल देते हैं, वो परमेश्वर की क्रियाओं को हमें समझाते हैं। पर हम भूल जाते हैं कि हम इस सृष्टि में ईश्वर के भरोसे आए हैं, हम परमेश्वर के रूप में उसके समानता के तरह हम इस सृष्टि में आए हैं। हम जिस दिन अपनी फिक्र करना छोड़ देंगे, जिस दिन हम दूसरों की फिक्र करना शुरू कर देंगे, उस दिन आपको परमेश्वर की हर एक बात सुनाई भी देगी और दिखाई भी देगी। हमें अपने दर्दों को, अपने दुखों को आज अपने जीवन से निकाल के फेंकना है, हमें उनका महत्व ख़त्म करना है। जो हमें लगता है कि हमारे बिना नहीं हो सकता, वो चीज़ों को हमें छोड़ना है। मेरे भाई बहनों, हमें हर एक जिम्मेदारी को प्रभु को सौंपना है, हमें हर एक बात को प्रभु के हाथों में सौंपना है, चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के हाथ में ही सौंपना है, चाहे वो कितना ही बड़ा संघर्ष क्यों ना हो। क्योंकि जब आयुब को आप देखते हो बाइबल में कि वो परमेश्वर को कहता था कि अगर परमेश्वर चाहे तो मुझे मार भी दे तो मैं उस पर भरोसा करना नहीं छोड़ूंगा। हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि न्याय का दिन निकट है, आपके न्याय का दिन निकट है, क्योंकि आपने जो करा है उसे आपको प्रभु के सामने रखना पड़ेगा। इसलिए मन फिराओ, पश्चाताप करो, प्रभु के करीब आओ, दुआएं करो, प्रार्थना करो, इसी से बचोगे हर एक परेशानी से, हर एक तकलीफ से, कर्जों से, बीमारियों से, जब आप मन फिराओगे और अपनी गंदी आत्मा को छोड़कर परमेश्वर की पवित्र आत्मा को स्वीकार कर लोगे। यही सच्चा परमेश्वर हमसे चाहता है कि आप आपकी फिक्र छोड़ दें और परमेश्वर की प्रार्थना दुआ में लग जाएं और उसके कामों को करें।